चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस बार हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से ही सृजनात्मक लेखन वाले अध्याय से ले रहे हैं कैसे लिखें कहानी। इसके पहले हम कविता वाला जो हिस्सा था वो कर चुके हैं, अब कहानी कैसे लिख सकते हैं हम वो जानते हैं और इसे भी हमने प्रश्नोत्तर शैली में तैयार किया है। प्रश्न पहला, कहानी की परिभाषा बताइए। उत्तर है, किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश, द्वंद्वात्मकता, कहानी का क्रमिक विकास और चरम उत्कर्ष का बिंदु हो उसे कहानी कहते हैं। दूसरा है प्रश्न, कहानी के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर है कि कहानी का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं मनुष्य का इतिहास। जब से आदमी है तब से कहानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहानी मानव के स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। कथावाचक पहले कहानी सुनाया करते थे और लोग कहानी सुनते थे। युद्ध, प्रेम और बदले की कहानियों से संसार भरा हुआ है। मानव स्वभाव का एक गुण है कल्पना करना। सच्ची कहानियां सुनते सुनते वह कल्पना पर आधारित कहानियों का जनक बन गया और कहानी विधा साहित्य में उत्पन्न हो गई। प्रश्न तीसरा है, मौखिक कहानी परंपरा के बारे में बताइए। उत्तर है, मौखिक कहानी परंपरा बहुत पुरानी है। हमारे देश के बहुत से अंचलों में मौखिक कहानी सुनाने की परंपरा आज भी मौजूद है। राजस्थान में तो वह सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कविता, झांसी की रानी, आपने जरूर पढ़ी होगी, सुनी होगी। उसमें एक पंक्ति आती है आरंभ में ही, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, तो बुंदेलखंड जो इलाका है वहां पर हरबोले नाम के एक विशेष समूह हुआ करते थे और वो घर घर जाकर के लोगों को गाकर कहानियां सुनाते थे। तो ये वाचिक कहानियां ही हैं, मौखिक कहानियां ही हैं। चौथा प्रश्न, कहानी में कथानक का क्या स्थान है। उत्तर है, कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक ही होता है। वह असल में कहानी का सार भी है। जो कहानी 10-12 पृष्ठों में लिखी गई हो उसका कथानक 10-12 पंक्तियों में बताया जा सकता है। हम यह भी कह सकते हैं कि कथानक कहानी का ऐसा नक्शा है जिसके ऊपर कहानी का महल खड़ा किया जाता है। और अब प्रश्न पांचवा, कथानक का स्वरूप कैसा होता है। उत्तर है, कथानक 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, आरंभ, मध्य और अंत। छठवां प्रश्न है, कहानी में देश, काल और परिवेश का क्या महत्व है। उत्तर है, कहानी को देश, काल और परिवेश ही प्रामाणिकता प्रदान करते हैं, कहानी को पूर्ण बनाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक ऐसी कहानी लिख रहे हों जिसमें बैगा जनजाति के लोगों का वर्णन है, हमारे पात्र के रूप में एक विशिष्ट जनजाति बैगा है, तो हमें सबसे पहले उनके रहवास, जीवन शैली, बोली भाषा, रहन सहन, उनके वातावरण, इन सब का अध्ययन करना होगा, स्टडी करनी होगी। और फिर उस बात को हम अपनी कहानी में जब हम प्रस्तुत करेंगे तब कहानी की विश्वसनीयता बनेगी, प्रामाणिकता बनेगी। कहानी में भूगोल का भी विशेष महत्व होता है। मान लीजिए कि आप हिल स्टेशन शिमला की पृष्ठभूमि पर केंद्रित एक कहानी लिख रहे हैं और आप कभी शिमला गए नहीं हैं, तो आप शिमला को किताबों से पढ़कर, सिनेमा में देखकर अगर अपनी कहानी में उसका वर्णन करेंगे तो वर्णन तो हो जाएगा,
लेकिन उसके अंदर वह विश्वसनीयता नहीं आएगी। जो पाठक होगा और अगर वो शिमला से परिचित है तो बताएगा कि कहानीकार ने शिमला पर कहानी लिखी जरूर है लेकिन उसे शिमला के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो इसलिए उसे शिमला पर कहानी लिखने के पहले शिमला जाना होगा ताकि वह वहां के पहाड़ों, बाजारों, मकानों, गलियों, सड़कों, लोगों आदि का जीवंत चित्रण कर सके। और अब प्रश्न सातवां, कहानी के पात्रों का कहानी में क्या स्थान होता है? उत्तर है, कहानी के पात्रों का उतना ही महत्व होता है जितना कि देश, काल और वातावरण का। आखिर कहानी उसी पात्र के जीवन से ली गई है। प्रत्येक पात्र का अपना निजी स्वभाव, चरित्र और स्वरूप होता है, इसलिए कहानीकार को इन सब पर ध्यान देना चाहिए। उसका अपना एक उद्देश्य भी होता है पात्र का, उस कहानी में वह उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ही आता है, तो कहानीकार को अपने पात्र का ठीक तरह से गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, उसकी आदतों पर गौर करना चाहिए। अब जैसे कि मैं एक कहानी से आपको उदाहरण देता हूं, मनोहर श्याम जोशी जी की एक कहानी है 12वीं कक्षा में, सिल्वर वेडिंग। इसमें जो उसके पात्र हैं यशोधर बाबू, वो बार बार अपनी बातचीत के दौरान somehow improper जैसे शब्दावली का प्रयोग करते रहते हैं। अब ये आप देखेंगे बहुत से मनुष्य ऐसा करते हैं, बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो किसी एक शब्द को अपनी बातचीत में बार बार लाते हैं, कोई बार बार मतलब शब्द का इस्तेमाल करता है। मैं कल बाजार गया था, मतलब मैं वहां से सब्जी खरीद के लाया, मतलब की भिंडी बहुत महंगी हो गई है, ये मतलब बार बार आ रहा है जिसका कोई मतलब है नहीं, पर वो उनकी बोलचाल में वो एक विशेषता है और इसलिए बहुत से लोग उनका नाम मतलब पंडित जी या मतलब भैया, मतलब चचा, कक्का ऐसा रख देते हैं, क्योंकि मतलब के बगैर उनको पहचाना नहीं जा सकता। तो हर आदमी का अलग अलग तकिया कलाम होता है, कोई कहता है जो है सो। अब आपको क्या बताएं, जो है सो आजकल बड़ी बीमारी फैली है और नींद नहीं आती, मच्छर बहुत हो गए हैं, जो है सो। ये आपको भी अपने पात्र के चरित्र में किसी ऐसी विशिष्टता को जोड़ना पड़ेगा जिससे वह पात्र अन्य पात्रों से भिन्न दिखाई दे। मैं आपको प्राण की और दूसरे और बहुत से अभिनेताओं की भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब वो फिल्मों में अपना कैरेक्टर करते थे तो उस किरदार के लिए वो एक अलग तरीके से तैयारी करते थे। किसी में वो सिगरेट को जलाने का उनका एक अनोखा स्टाइल होता था, किसी में लाइटर पकड़ने का स्टाइल अलग होता था, किसी में होठों को टेढ़ा करने का अपना स्टाइल होता था, कभी आंखों को देखने का, आंखों को अलग तरीके से जो है वो घुमाते फिराते थे, और इस तरह से वो अपने किरदार को एक विशिष्टता प्रदान करते थे। तो ये कहानीकार के लिए इतना बारीक और सूक्ष्म ज्ञान जरूरी है। आठवां प्रश्न है, कहानी लेखन सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, कहानी लेखन का कोई प्रशिक्षण महाविद्यालय नहीं होता, कोई स्कूल नहीं होता, कॉलेज नहीं होता, ये आपकी रुचि पर और आपके अंदर जो टैलेंट है उस पर निर्भर होता है, पर आप कोशिश कर सकते हैं कि कहानी कैसे लिखें। तो उसको जानने के लिए, सीखने के लिए हर आदमी को सीखना तो पड़ता है, और ये कौन सिखाता है? ये कहानी ही सिखाती है, कहानीकार ही सिखाता है। तो हमसे पहले जितने महत्वपूर्ण कथाकार हुए हैं, हमें उन सब की खूब खूब कहानियां बार बार पढ़नी चाहिए, मंथन करना चाहिए, उसके पात्रों को, भाषा को, उसके संवादों को, चरित्र चित्रों को समझना चाहिए, और फिर हम कोशिश करें कि हम अगर कहानी लिखेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखेंगे। और अब हम करेंगे आखिरी प्रश्न है, कहानी में क्लाइमैक्स क्या होता है? तो उत्तर है, कहानी में क्लाइमैक्स कहानी के चरमोत्कर्ष को कहते हैं। चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर ही कहानी पूर्ण होती है, अपना उद्देश्य प्राप्त करती है। कहानी का अंत
ऐसा होना चाहिए जिसको पाठक ने पहले से न सोच रखा हो। जब कहानी पढ़ता है कोई पाठक, आप खुद पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं, और कहानी जैसी चलती है तो हमें लगता है अच्छा ऐसा होने वाला होगा, ये होगा, लेकिन कहानीकार जब कहानी को बिल्कुल उसकी सोच से अलग ले जाकर के कहानी का अंत करता है तो वह हतप्रभ रह जाता है, वह विवश हो जाता है सोचने पर कि अरे ऐसा हो गया। तो उसने एक सरल तरीका सोचा था कहानी के पूर्ण होने का, पर लेखक ने उस कहानी को एक अलग ढंग से प्रतीकात्मक तरीके से उसका अंत किया और यही कहानी की विशिष्टता बन जाता है। तो यह था अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से कैसे लिखें कहानी वाला हिस्सा। कृपया से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक लेकर आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।